हेलो दोस्तों, ये हमारी फुल शटल की सिलाई मशीन भारत कंपनी की है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये टाका छोड़ रही है। इसमें चलते चलते गैप आ जाता है और ये ऐसे आपको जो दिख रहा है इसमें एक एक टाका ऐसा बीच बीच में ऐसा छोड़ती है। थोड़ा चलती है फिर उसके बाद में फिर से टाका छूटना है। ये प्रॉब्लम किस वजह से है इसमें हम आपको इस मशीन में क्या प्रॉब्लम है वो अभी आपको बताते हैं। तो ये हम कपड़ा इसमें से निकाल लेते हैं। ये कपड़ा हमने निकाल दिए और इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि ये प्रेशर फुट रखने के बाद में आप देख सकते हैं कि सुई जो है बराबर सेंटर में नहीं गिर रही है, जो कि दाब के एकदम किनारे पर गिर रही है इस तरफ लेफ्ट साइड में। और ये दाब भी खोलकर हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से ये दाब हमने खोल दिया इसका। अभी इसको आपको हम बताते हैं कि जो ये जो प्लेट आपको दिख रही है ये प्लेट में एकदम कॉर्नर पर लेफ्ट साइड में सुई गिर रही है, जो कि बराबर से सेंटर में गिरना चाहिए, मगर ये प्लेट के जो होल है उसके किनारे पर गिर रही है लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि ये जो है सुई जो है शटल से दूर हो गई है, शटल में गैप आ गया है, इसके सुई के पॉइंट में और शटल के पॉइंट में गैप आ गया है। जैसे कि हमने हाफ शटल की मशीन में भी आपको बताए थे कि इस तरह से गैप आ गया था, जिस वजह से ये टाका छोड़ रही थी। तो अभी इसको प्लेट को हम खोलकर देखते हैं कि शटल और सुई में कितना गैप आया है, और इस तरह से हम शटल और सुई के पॉइंट को हम मैच कर दें, मतलब मिला देंगे, इसको नज़दीक कर देंगे। तो प्लेट को हम खोलकर देखते हैं। तो दोस्तों, ये सुई को हम अभी नीचे ले रहे हैं और अभी दोस्तों आप देख रहे हो कि शटल का पॉइंट आ रहा है नज़दीक में, और ये देखिए आप कि सुई में और शटल के पॉइंट में गैप हो गया है, ये देख सकते हैं आप। इसके वजह से ये धागा छोड़ रही है मशीन, गैप आ रहा है और आगे आगे बढ़ते जा रही है, चलते चलते गैप आ जाता है, यही वजह है। तो यह वजह है कि ये जो पॉइंट है, ये जो सुई का, ये जो शटल का जो पॉइंट है और ये सुई का पॉइंट है, ये इस तरह से इनको हमको मैं मतलब नज़दीक करना है सुई को। तो वो किस तरह से करेंगे, तो इसकी हम बॉबिन केस को निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी बॉबिन केस को निकाल लिए और अभी जो सुई जो है, ये आप दिख रही है सुई आपको, इसको हमको थोड़ा सा ठोक के वो बाजू करना है, मतलब सुई की जो रॉड है उसको थोड़ा सा इस तरफ से ठोकना पड़ेगा ताकि वो अंदर की साइड चले जाए और जो है शटल के जो पॉइंट है उससे बराबर मिले। ये देख सकते हैं कि शटल का पॉइंट से दूर रही है सुई, इसको मिलाना है। इस तरह से हम इसकी फेस प्लेट भी खोल लेंगे। अब फेस प्लेट खोलने के बाद में
ये जो है इसका जो लिंक सेट है और ये जो सुई का रॉड है वो एक ही सीध में रहना चाहिए इस तरह से। और उसके बाद में इस रॉड को हमको ठोक के थोड़ा अंदर करना है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा अंदर करके एक बार देखना है। अगर शटल के पॉइंट पर हल्का सा अगर टच भी होकर चलती है तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है मशीन में। तो हम इसको थोड़ा सा और अंदर कर देंगे, इस तरह से सुई को हाथ लगाकर देखना है आपको कि शटल को सुई टच हो रही है या नहीं। एकदम हल्की से टच होना चाहिए, अब आप देख सकते हैं कि ये जो सुई है ये बराबर से सुई के पॉइंट के बिल्कुल करीब से हल्का सा टच होकर जा रही है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये जब सुई इस तरफ होगी तो जब ये नीडल प्लेट हमारी जब बैठती है तो ये भी परफेक्ट सेंटर में आ जाएगी, आप देख सकते हैं कि ये भी अब सेंटर में आ गई है, जो कि ये इस तरफ ज़्यादा हो गई थी लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो गई थी तो अब ये परफेक्ट आ गई है हमारी। तो इस तरह से हम ये नीडल प्लेट को फिट कर लेंगे और प्रेशर फुट फिट कर लेंगे और उसके बाद में आपको सिलाई करके बताते हैं। तो इस तरह से ये प्लेट को फिट करने के बाद में इसका प्रेशर फुट हम इस तरह से लगा लेंगे। ऊपर का सामान फिट करना कोई हार्ड नहीं है, आप देख सकते हैं कि अब ये बराबर से सुई जो है गिर रही है होल में बराबर से। इस तरह से सेंटर बराबर हमको मिल गया, अब हम इसको कपड़ा सिलाई करके चलाकर देखते हैं। बॉबिन केस इस तरह से लगा लेंगे और अभी धागा लगाकर हम सिलाई करके देखते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी सिलाई मशीन में अगर धागा छोड़ रही है तो फुल शटल सिलाई मशीन को इस तरह से आप सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये जो है सुई का धागा आराम से ऊपर आ गया एक ही बार में, और इस तरह से हम अभी सिलाई करते हैं इसमें। इस कपड़े पर
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिलाई बराबर आ रही है, इसमें टाका भी नहीं छोड़ रही है और सिलाई भी एकदम परफेक्ट हो गई है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से दोस्तों हमारी मशीन रेडी हो गई। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करो और हमारे वीडियो को लाइक करो दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों इस तरह से हमारी भारत कंपनी की फुल शटर की सिलाई मशीन रेडी हो गई है।